ओम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्त्रलाल यत्र च पितृवर्त्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सचिंतन में हम लोग अंतर जगत की यात्रा के ज्ञान और विज्ञान को समझेंगे। आप में से किन्हीं व्यक्तियों को अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, हम लाइव में आपका जवाब देंगे। हमारा जो जीवन है, सबसे अनमोल चीज हमारे पास जीवन होता है। इस जीवन को जो अगर हम व्यवस्थित करें, परिष्कृत करें, तो यह जीवन ही हमारे लिए सबसे अनमोल धरोहर होती है। सबसे अनमोल धरोहर हमारा जीवन होता है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी अंतरंग आध्यात्मिक चर्चाओं में इस सूत्र की बड़ी अनूठी एवं दुर्लभ व्याख्या करते थे। वह अहम, अहंकार और अस्मिता के बड़े गूढ़ अर्थ बताते थे। एक चर्चा में उन्होंने कहा, वैसे तो अहम अंतःकरण चतुष्टय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मन बुद्धि चित्त, अहम यही है अंतःकरण चतुष्टय। इसमें मन और बुद्धि चेतन मन में क्रियाशील होते हैं, जबकि चित्त एवं अहं की क्रिया अचेतन में होती है। उसके अनुसार यह अहम पहला और मुख्य झरोखा है। ये जो आत्मा का विज्ञान है, ये बिल्कुल उसी तरह का विज्ञान है जो भौतिक जगत का विज्ञान होता है। इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी इस आत्मिक जगत में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं तो यह आपके को बहुत कठिनाई होगी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जिन चीज़ों को हम इंद्रियों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, उनका तो हमें अनुभव होता है, आत्मा को हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मन बुद्धि चित्त एवं अहं, ये बनाते हैं अंतःकरण चतुष्टय। इसमें मन और बुद्धि चेतन मन में क्रियाशील होते हैं, जबकि चित्त एवं अहं की क्रिया अचेतन में होती है। उनके अनुसार यह अहम वह पहला और मुख्य झरोखा है जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति को निहारती है। जो प्रकृति है और जो पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, आत्मा पुरुष है। परंतु मायावश, अविद्यावश जब आत्मा प्रकृति के दृश्यों में इतनी खो जाती है कि स्वयं के स्वरूप को भूलकर अपने आप को झरोखा समझ लेती है, तब सारी गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध है, नित्य है, आनंदमय है। होता क्या है कि हम प्रकृति को देखते देखते अपने नित्य शुद्ध और आनंदमय स्वरूप को भूल जाते हैं। अहम जो होता है वो इसी का परिचय होता है, इसी को कर्ता होने का अभिमान कि हम सब कुछ करते हैं, ये करने का जो अभिमान होता है ये अहम के कारण होता है। स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि आत्मा का विराट, व्यापक एवं दैवी स्वरूप जो है वो विस्मित हो जाता है। कहाँ, आप खुद के अपने अनुभव को देखिए, आप में क्षुद्रता भरी होगी, आपके जो विचार होंगे वो निकृष्ट कोटि के होंगे, उच्च कोटि के विचार जो है वो विस्मृति हो जाते हैं, आपको याद नहीं रहते, आपको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब जो आपके पास है वो क्या बचा हुआ, वो अहम की क्षुद्रता है जो अभिमानवश अपना आकार बढ़ाना चाहता है। अहम का यह बढ़ता आकार ही तो अहंकार है। ये शब्द देखिए कितना अच्छा है, अहंकार। अहम का जो बढ़ता हुआ आकार है वही अहंकार है। जो यथार्थ में देखने वाला है वह अपने को झरोखा समझ बैठता है और अपना विस्तार प्रकृति के निरंतर परिवर्तित होते हुए दृश्यों में करता है। इनके बनने पर स्वयं को बनता हुआ अनुभव करता है और इनके मिटने पर स्वयं को मिटते हुए दिखने का भय करता है। यह पहली कुछ उलझी हुई जरूर लगती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान दे तो हमारे अपने स्वयं के दैनिक जीवन में घटित होती है। अगर हम सब देखें तो हम सब पाएंगे कि ये हमारे साथ ही हो रहा है।
इसको सोचने का एक और तरीका हम लोग ले सकते हैं, जैसे कुछ व्यक्तियों की भीड़ किसी कमरे की खिड़की से बाहर होते हुए किन्हीं रोचक दृश्यों को देखे। इनमें से हर व्यक्ति खिड़की से चिपका खड़ा है और दृश्यों को रोचकता कुछ इस कदर है कि वह स्वयं को भूल गया, यहां तक कि अब खिड़की नहीं छोड़ना चाहता। यदि कोई उसे खिड़की छोड़ने की बात कहता है तो उसे झगड़ बैठता है, छूट गई तो जैसे सब कुछ छूट गया। यही हमारे साथ होता है जब हम इस शरीर में अपने आप को संसार के दृश्य जगत को देखते हैं तो हमें भी लग जाता है कि हम शरीर है और हमें भी ये लगता है कि हमें शरीर है और हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। महर्षि पतंजलि का ये जो सूत्र है वो सच समझाने के लिए, वह कहते हैं कि पांच इंद्रियां द्वारा तुम्हारा हमारा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पांच इंद्रियों द्वारा हमारा माध्यम के साथ शरीर के साथ तादात्म्य बन जाता है और तभी अपने आकार को प्रकट करके अहंकार पैदा करता है। अहंकार जो होता है वो झूठा अस्तित्व होता है। अहंकार वह सब कुछ है जो ना आप हैं और ना हम ही हो सकते। आप किसी भी तरह कोशिश कर लोगे आप अहंकार नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे खिड़की में खड़ा हुआ आदमी स्वयं को खिड़की सोचने लगता है कि मैं खिड़की हूँ। ध्यान से सोचे तो हम सभी यही तो कर रहे हैं। अहम चित मन एवं बुद्धि अंदर की खिड़कियां हैं, अंतर के कार्य के साधन है, इसलिए तो इन्हें अंतःकरण कहते हैं। कि बाहर की पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां वाह्य कारण है। हमारी आंखें खिड़कियां होती हैं, कान झरोखे हैं, जिस हाथ से हम किसी को छूते हैं नहीं हाथ पांव कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सब आत्मा को भूले हुए हैं, स्वयं को देह हैं। भुलावे और बहकावे ही तो परिणाम है, यह परिणाम ही अस्मिता है, यही है जीवन का मूलभूत सच जो हमें चेताता है कि अहंकार माध्यम के साथ दृश्य का तादात्म्य। यदि हम माध्यम के तादाद में गिरा सकें तो यह अहंकार को मिटाने का रास्ता यही है कि हम न बनाएं अपने शरीर व इंद्रियों। अब अपने शरीर और इंद्रियों के साथ जितना दूर जाते हैं आपका अहंकार कम हो जाएगा। अगर ये आप तो आपका अहंकार विलीन हो, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप अहंकार को विलीन कर सकते हो। इस पीड़ा से बचने का एक और उपाय है, अपने अहंकार को अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, परमात्मा का सेवक बना दे, बना डालें प्रभु का अनन्य भक्त, तो फिर ये नष्ट नहीं होता, इसका रूपांतरण हो जाएगा। कुछ इस तरह जैसे कि जली हुई तो सामान्य रस्सी की ही भांति है पर बांधने में समर्थ नहीं है, ठीक इसी तरह रूपांतरित अहम भी पीड़ादायक नहीं रहता यदि इसे नशों का क्रम आगे बढ़ता रहता। क्लेश को कम करने के लिए आपको अपने अहम को रूपांतरित करा दिया जाए तो वो फिर आपको बंधन में नहीं बांध सकती है। यू शुड शेयर दिस एज मच यू कैन सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस। अहम की रस्सी को जब आप जला देंगे तो यह फिर आपको बंध अहम रूपी रस्सी को जलाएं। चाहे सबसे बड़ा बैरी है राग, अहंकार का जो विस्तार होता है वो राग के रूप में होता है। अहम के बारे में एक बड़ी अनुभव की बात यह भी है कि अब तक परितृप्ति नहीं मिलती जब उसे मेरे का एहसास हो जाएगा तब अहम को तृप्ति मिल जाएगी। मैं कि मेरे का दायरा चाहिए या मेरापन ही राग है। इसी के व्याख्या में महर्षि अपना दूसरा सूत्र सुखानुशयी राग शब्दार्थ है इसका, सुख की प्रतीत के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। सुखा भास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति राग। महर्षि का यह जो सूत्र है वो अनमोल है। यदि संपूर्ण सूत्र सभी के जीवन में नए नए ढंग से आते हैं, इसका मूल तत्व तो यह बना रहता है, बस बदलते हैं तो केवल कहना है कि यथार्थ में तो संभवतः सुख कहीं है ही नहीं, बस केवल उसकी प्रतीति भर है, केवल उसका आभास मात्र होता है। उसी में साधक विरचना चाहता है, वह विश्रांति तलाशता है, कभी नहीं मिलती है, बस भटकन बनी रहती है, यहां वहां इधर उधर वह भटकता रहता है। इसमें उसका जीवन
बीत जाते हैं, पर न तो कभी विवेक जगता है और न यथार्थ की अनुभूति हो जाती है। जहाँ पे सुख की, जिस जगह पे आप सुख की प्रतीत करते हो वहां पे सुख होता नहीं है। तो जो है महर्षि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान हो, यानी कि उम्मीद बांधी जा सकती है, अन्यथा तो राग का संसार बहुत व्यापक है। राग पन कोई हमें यूं ही अच्छा लगने लग अटक जाते हैं, आसक्ति और आकर्षण की डोर से बधे हम गवाते रहते हैं। तो संचित तप को होश तब होता है जब जब यह बहुमूल्य कोष संपूर्णतया रिक्त हो जाता है। स्त्री पुरुष के बीच का जो आत इसी के सुख के कारण ही तो अप्रकट होता है। इसे कितना ही अविवेकपूर्ण कहा जाए कि आपको, पर इससे बचता कोई भी नहीं है। यहां तक कि जो हर व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, सुखियों में नहीं बल्कि जड़ वस्तुओं में भी पनपता है। किसी का फोर व्हीलर में, किसी का विलास में, किसी की फैशन की चीजें चाहिए, ये सारी चीजें जीवात्मा को, चैतन्य सत्ता को जड़ से बांध देती हैं, क्योंकि उसे लगने संभवतः सुख यही है। जब तक यह प्रतीत बनी रहती है तब तक जीवन धारा वहीं अटकी रहती है। और एक दिन जब किसी अप्रत्याशित आघात से उस वस्तु के प्रति आसक्त की डोर टूट जाती है तो भी चेतन नहीं होता है, तो भी पता नहीं चलता उसे, बल्कि वह किसी अन्य वस्तु की तलाश करता है। सारे बोध वचन इस आसक्ति के सामने फीके पड़ जाते हैं। न तो चेत आता है न तो होश रहता है, क्योंकि इसके लिए कोमल पुष्पित वाणी नहीं, क्रिया योग की कठिन डगर पर चलना पड़ता है। सुख यह प्रतीत केवल वस्तुओं एवं व्यक्तियों में ही नहीं पनपती, बल्कि विचार भाव, यहां तक कि कल्पनाओं का मायाजाल भी इस आकर्षण को बढ़ाता है। इनका स्तर रहने पे भी ये चेत किसी को यश आकर्षित करता है, तो कोई प्रेम की कच्ची डोर से बच को विचार का आग्रह होता है, तो कोई किसी अन्य भाव को पकड़कर बैठ जाता है। हालांकि ये सभी विशेष कालखंड में पानी में पनपने वाले बुलबुलों की भांति, इनका निरंतर उदय अस्त होता रहता है, परंतु इसके बावजूद यह प्रक्रिया चलती रहती है। देह के रहने पर बढ़े हुए संस्कार अगले जीवन में पुनः इस ओर देह के रहने पर चित्त में इसके गढ़े हुए संस्कार अगले जीवन में पुनः चल पड़ने के लिए प्रेरित, बाधित एवं विवश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस बारे में एक बोध कथा कहते थे। घटना सुनी हुई होने है। तपोलीन विश्वामित्र को अप्सरा मेनका ने सुख की छाया से बांध ली। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि सुख की लिप्सा के लिए प्राय जीवा और दूसरी जननेन्द्रिय। तभी ऋषिवाणी के मुख स्वर कहते हैं जीवे परित्यागे पृथ्व्याम की, अर्थात जिसने जीवा और उपस्थ का परित्याग कर दिए क्या प्रयोजन, अर्थात फिर से उसे पृथ्वी से में कोई चीज नहीं। अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को इन्हीं दोनों की डोर से, पहले उसने वर्षों से तप करे विश्वामित्र को सुस्वाद भोजन का रसपान कराया। सालों साल से तपस्वी विश्वामित्र सूखे हरे पत्ते का, उन्होंने सालों से स्वाद जाना ही नहीं था। तभी एकाएक मेनका ने उन्हें अनायास सुस्वाद भोजन आग्रह पूर्वक खिलाया, साथ ही अपने हाव भाव से वासनाओं को हवा दी। फिर क्या, मन में मनसीस पनप गया। ऊर्ध्वरेता तपस्वी का तप स्खलित होने लगा, वर्चस ही नहीं ओजस और रेतस का नित्य क्षय होने लगा। दुष्कर तपस्या सुख की चाहत में नष्ट होने लगी। इस कथा को सुना रहे गुरुदेव से जब पूछा गया कि गुरुदेव अपने असाधारण तप के बावजूद महर्षि विश्वामित्र अपन कर सके, तो गुरुदेव ने
तो गुरुदेव ने कहा कि विश्वामित्र के पास तप तो था, चार शुद्धि एवं ईश्वर प्राधिधान से भाव शुद्धि न की। स्वाध्याय से विचार शुद्धि एवं ईश्वर प्राणिधान से भाव शुद्धि न की थी। इसी कमी के कारण वह सालों साल वाते रहे। एक दिन अनायास प्रातः बेला में उदय होते सूर्य ने उन्हें चिताया। उनके भाव में गायत्री महामंत्र के स्वर पुनः मुखरित हुए और उन्होंने मेनका सूर्य की ओर अपनी भूल उन्हें समझ में आ गई। तपस्वी में विवेक को जगते देख सहमी मेनका वहां से भाग खड़ी हुई। महर्षि राग की डगर पर बढ़ने लगे, परंतु राग को छिड़ कर लेना ही योग साधक के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे तक भी निकालना पड़ता है। एक द्वेष साधक के लिए नरक का द्वार है, इसके लिए दुख के प्रति सही सोच अपिष्ट है। द्वेष उपजता है किसी उस चीज से जो दुख देती है। योग के तत्व दृष्टा महर्षि पतंजलि इस सूत्र में साधना जीवन के अद्भुत रहस्य उजागर करते हैं। जो मानव प्रकृति उनसे यह सच छिपा नहीं है कि सामान्य क्रम मानव मन की एक निश्चित संरचना है, उसके अंतःकरण का एक निश्चित ढांचा है। प्रत्येक व्यक्ति नेताएं दृष्टिकोण एवं सोच है, इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है। गलती तो होती है तब जब वह प्रत्येक वस्तु परिस्थिति को अपनी इस सीमित संरचना में बांधना चाहता है। जो वस्तु अथवा परिस्थिति उसकी सीमित मानसिक संरचना में नहीं बंधता, उसी से उसका बीतता है। उसके ही अपने आग्रह मान्यता उसे दुख देने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है पैर की कई श्रृंखलाओं को जन्म देती है, जिससे मनुष्य जीवन जन्मों जन्मों तक बधा झगड़ा रहता है। ओम शांति शांति शांति। हम सभी मिलकर के एक दूसरे के लिए, हे परमात्मा आपका दीप और प्रकाश कड़कड़ में व्याप्त है। हे प्रभु आप हमारे भी और अंतःकरण में व्याप्त हो। मेरे शरीर के रोम रोम में आपका दिव्य प्रकाश व्याप्त है। हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले चलो, हमारी जीवन में आपका प्रकाश भरा रहे। आप सभी के साथ परमात्मा का प्रेम इसी तरह बना रहे, प्रभु आपके साथ रहे, यही हमारी कामना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।